साथियों नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। आई एम रेडी विद सम फैंटास्टिक सेशन। ये सेशन रहेगा, आज का जो सेशन है वो है आपका पास्ट प्रोग्रेसिव, जिसे कहते हैं आप पास्ट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। परफेक्ट मीन्स पूरा होता है, इम्परफेक्ट मीन्स क्या हुआ, अपूर्ण, है ना, जो खत्म नहीं हुआ। तो बीते हुए समय में कोई कार्य अगर चल रहा था, हो रहा था, तो उस सारे कार्य को, एक्शन को हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट में लेते हैं। जैसे वह पढ़ रही थी, तो अभी तो पढ़ नहीं रही है, वह पढ़ रही थी मतलब बीते हुए समय की बात आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे जब, है ना, एक टाइगर वहाँ आ गया, है ना, तो प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, मेरी माँ खाना बना रही थी जबकि मेरे पापा कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोग कॉलेज के दिनों को बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे थे, है ना, जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ, तो चल रहा था रही थी, जो भी एक सेंस होता है हिंदी में, है ना, इसको बनाते हम कैसे हैं, जो कुछ भी ये सब्जेक्ट है, आई है, यू है, वी, ही, सी, इट, वी, दे, जो भी कहते हैं उसमें वाज और वेयर जो भी लगाना हो, वाज और वेयर लगाते हैं, और वर्ब का जो चौथा रूप है होता है गोइंग, कमिंग, रीडिंग, राइटिंग, ओके, कॉलिंग, ओके, तो वो जो आप लगाते हैं तो है। तो इसमें जो हुआ कि अगर बीते हुए समय में दो काम साथ चल रहा था, जैसे जब मैं चाह रहा था वो आ रही थी, जब मैं जा रहा था वह आ रही थी, अभी की बात, प्रेजेंट की बात तो हो नहीं रही है, वो पीछे की बात आप कर रहे हो, जब मैं जा रहा था वो आ रही थी, जब मेरे पिताजी मुझे समझा रहे थे, है ना, मेरी मम्मा बीच में आ गई, है ना, तो रही थी। ये भी हो सकता है कि दो काम, है ना, एक काम जब चल रहा था कोई काम, जैसे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, अचानक कुछ लोगों ने हल्ला कर दिया, है ना, नारे लगाने शुरू कर दिए, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, जब कोई काम चल रहा था और उस बीच में कोई काम आ जाता है, तो भी जो पहला काम चल रहा था, हो रहा था, उसमें आप जो है पास्ट इम्परफेक्ट यानी वाज वेयर लगा करके भर में आंचे लगाते हैं, और दूसरा जो बाद में हुआ वो भीटू में बनाएंगे आप। ऐसा भी हो सकता है कि पुराने समय, बीते हुए समय में जो है दो काम चल रहा था साथ साथ, पैरेलल चल रहा था, जब वह गा रही थी तो मैं सुन रहा था, जब मैं बोल रहा हूं तो आप लोग सुन रहे हैं, व्हेन आई एम स्पीकिंग तो एम में बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट में तो एम में बनाना पड़ेगा, लेकिन बीते हुए समय की बात करेंगे तो व्हेन आई वाज स्पीकिंग यू वर लिसनिंग, व्हेन आई वाज स्पीकिंग, ओके, while I was speaking, you were listening, जब मैं बोल रहा था, while लगा करके, ing, वो जितना भी verb में ing वाला form होता है, while के साथ बेहतर होता है, when के साथ नहीं, while I was speaking, you were listening, है ना? तो आपने देखा, और कोई बीते हुए समय में कोई काम चल रहा था, जैसे yesterday, I was writing a letter, suddenly my mom came and disturbed me, है ना? कल मैं कुछ पत्र लिख रहा था, तो कोई fixed time में, बीते हुए समय में अगर कोई काम चल रहा था, तो भी कहता आई वॉज टॉकिंग टू हर स्टरडे। अब देखिए कि सारा सेंटेंस है आपके पास में, और इस पर अगर आप जम के अभ्यास कर लेते हो तो फिर दोबारा ये आपको कष्ट नहीं देगा जीवन में। ये रहा आपका, इसको कहेंगे आप पास्ट प्रोग्रेसिव कहेंगे, पास्ट इम्परफेक्ट कहेंगे, सब जगह वाज वेयर आपको दिखेगा। थोड़ा धीरज के साथ सुनोगे तो निश्चित रूप से अच्छा बेनिफिट, बहुत ही जबरदस्त सेशन चल रहा है, इस सेशन से जुड़े रहें अगर, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है मैं आपके अंग्रेजी को अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है। भैया आइए और देखते हैं, मजे लेते हैं इस सेशन का, है ना, इस सेशन का आनंद ऐसे ही उठाएंगे। मैं बोलूंगा और आप, मैं हिंदी में मोस्टली बोलूंगा और आप अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करोगे, भैया भी बोलने का प्रयास करेंगे। देखिए इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए आज। देखिए एक वर्ड ले लेते हैं, बिपिन रावत जी, है ना, कल परसों ना, है ना, दुर्घटना में चॉपर्स क्रैश में मारे गए, उसमें जो है द इंटायर नेशन इज पेइंग होमेज, तो पे होमेज कहते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं तो पे होमेज होता है, पे होमेज, पे ट्रिब्यूट भी बोलते हैं। जब कोई चीज़ आप फूल ऑफर करते रहते हैं उस समय में किसी के, मान लीजिए इस पर पार्थिव शरीर पर, तो आप यू आर पेइंग ट्रिब्यूट टू दैट पर्सन, यानी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं या फूल माला कुछ भी दे रहे हैं आप, है ना, तो पे ट्रिब्यूट होता है। लेकिन कोई देश किसी बड़े मान लीजिए महारथी को श्रद्धांजलि दे रहा है तो पे होमेज बोलते हैं। पब्लिकली आप जो है प्रेज कर रहे हैं किसी को, है ना, प्रशंसा कर रहे हैं, एडमिरेशन जिसको आप कहते हैं प्रशंसा को, उसमें नहीं जाएंगे। पे होमेज दो वर्ड हो गया आपके लिए, पे होमेज एंड पे ट्रिब्यूट,
जब कुछ ऑफर करते हो उस समय बेहतर है पे ट्रिब्यूट. आई वॉज पेइंग द पी एम वॉज पेइंग ट्रिब्यूट यस्टरडे टू यू नो बिपिन रावत एंड 11 मोर पर्सन हु डाइड इन चॉपर्स क्रैश. तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि भैया पहला सेंटेंस लेते हैं, है ना. याद रखिए, है ना, ऐसे आप अभ्यास कर लो कि आई वॉज he was I was he was I was he was she was it was it was it was Ram was Ram was my friend was my mom was okay my father was. इस तरह से कर लो प्रयास. was my mom was my father okay was she was it was Ram. इस तरह से कर लो आप प्रयास. थोड़ा सा लिख करके एक जगह अगर आप अभ्यास कर लेते हो बढ़िया से तो बहुत अच्छा रहेगा. जैसे we were, they were, okay, you were, okay, I के साथ तो वाज ही लगता है. I was not, okay, I was not, she was not, he was not. इस तरह से अभ्यास कर लेंगे थोड़ा सा तो रोलिंग आउट फ्लुएंसी आती है माउथ पर. आप इस चीज को, मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ. चलिए आगे चलते, पहला सेंटेंस लेते हैं. मैं घूम रहा था जब तुम मेरे पास आए. जब तुम मेरे पास आए मैं घूम रहा था. क्या कहेंगे, बोलिए बोलिए. जब तुम मेरे पास आए मैं घूम रहा था. बोलिए भैया क्या बनाएंगे. आई वॉज जस्ट स्ट्रॉलिंग वेन यू केम टू मी. Yes, I was just strolling when you came to me. यदि घूमने का आनंद ले रहे थे तो आप कहेंगे I was enjoying strolling. Strolling को enjoy कर रहे थे. I was enjoying strolling. या simply कहिए ना, घूम रहे थे. I was strolling when you came to me. जब तुम आए. When, जब मीन्स जब, कब भी होता है, जब भी होता है. यहाँ प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं. When you came, तो जब तुम आए. और तुम कब आए, तो when did you come. तुम कब आया भाई, when did you come. जब तुम आए, सीधा when, सीधा सब्जेक्ट डालिए, वर्ब का दूसरा रूप डालिए. When you came, I was flying. कुछ भी जो बनाना है आपको बनाइए, है ना. तो जस्ट दूसरा सेंटेंस लेते हैं, है ना. मैं अपने पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहा था. Okay. I was not taking my study seriously. Wow, fantastic. Absolutely right. I was not, बोली, मैं अपने पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहा था. उस दिनों कॉलेज में जब था तो मैं अपने पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहा था. क्या बोलोगे. I was not taking seriously my study when I was in college. When, फिर से जब, when I was in college, I was not taking my study seriously. Okay. अब 20-25 सेंटेंस अगर एक एक पार्ट पर अभ्यास कर लेते हो, गर्दम हो जाएगा. निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा. मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, है ना. मेरी माँ, अच्छा वे लोग कल कुछ डिस्कशन कर रहे थे. They were discussing something yesterday. Okay. I heard, I felt so. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि they were discussing something different. आप कहना चाहते हो कि वो तो कुछ अलग बहस कर रहे थे, वो लोग चर्चा कर रहे थे. They were discussing something different. Okay, this was not the matter. I hope so. This would not have been the matter. They were discussing something else. Later on, चलते हैं, अगला लेते हैं. मेरी माँ, जब तुमने मुझे बुलाया, मेरी माँ खाना बना रही थी. जब तुमने मुझे बुलाया, मेरी माँ खाना बना रही थी. क्या बोलोगे, बोलो. पहले तुम बोलो, पहले आप बोलो भाई. जब तुम, तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है. मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा. मुझे तो आती है. अगर आपको नहीं आती है, थोड़ा सा आपको बूस्टअप चाहिए, तो मैंने जो कर रहा हूँ उसके पीछे रीज़न ऐसा नहीं है. मैं तो जॉब में हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं है. बट मेन ये है ना कि हम चाहते हैं वाकई में कुछ बेनिफिट पहुँचे. नहीं, मीनिंगलेस काम तो ज़िंदगी में करना पसंद ही नहीं है, है ना. तो जब तुमने मुझे बुलाया, मेरी माँ खाना बना रही थी. When My mom was cooking food, huh? when you called me. Yes, yeah, ऐसे भी. When you called me, okay, when you called me, my mom was cooking food, actually. That's why, you know, I could not listen your voice, okay, because my mom was cooking food, okay, and there was huge noise from, kitchen. There was huge noise from kitchen, so I could not listen your voice, okay, I'm sorry. So my mom was cooking food, not sirf mom, my mom was cooking, we bol lage to baat wahi hua. My mom was cooking when you called me. Next. जब मैं पढ़ रहा था वो कुछ नहीं कर रही थी. जब मैं पढ़ रहा था तुम तो कुछ नहीं कर रहे थे, है ना. जब मैं बोल रहा हूँ आप तो सुन नहीं रहे हो, है ना.
है ना, तो ये तो प्रेजेंट में हो गया, लेकिन पास्ट में चलते हैं। जब मैं पढ़ रहा था वह कुछ नहीं कर रही थी। When I was studying, she was doing nothing. हाँ ठीक है, when I was studying, she was doing nothing. Yeah, while I was studying, she was doing nothing. While I was, while लगा करके बेहतर होता है continuous tense में। While I was doing something, she was doing nothing. While I was doing, while I was studying, she was doing nothing like that. So, मैं कल पाँच बजे मेरा बॉस मुझे धमका रहा था। कल पाँच बजे मेरा बॉस मुझे धमका रहा था, तो क्या कहेंगे आप? My boss was bullying me yesterday on 5 PM. बुली होता है, बुली, BULLY, बुली। बुली मीन्स क्या होता है ना, बुली मीन्स होता है कोर्स, धमकी देना। ओके, इंटिमिडेट वर्ड होता है, इंटिमिडेट एक वर्ड होता है, इंटिमिडेट में धमकी देना। तो माई बॉस वॉज बुलिंग मी अराउंड 5 PM स्टार्ट या माई बॉस वॉज बुलिंग मी स्टार्ट अराउंड 5 PM है ना, 5 बजे करीब करीब मेरा बॉस मुझे धमकी दे रहा था, है ना। इसके बाद जो है, एंड व्हाट आई डिड, आई रिटेलिएटेड। चलिए आगे देखते हैं, है ना। क्या फव्वारा जो है, फव्वारा चल रहा था जब तुम वहाँ पहुँचे, जब तुम पार्क में पहुँचे, तो क्या फव्वारा चल रहा था, है ना, काम कर रहा था, है ना, तो क्या कहेंगे आप इसे? Where the fountain running when you reached the park? Correct तो बोलना नहीं है, मतलब ठीक है, करेक्ट नहीं है, स्पोकन में करेक्ट की वर्ड की जरूरत नहीं है, मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट ओके, है ना। हमें अप्रोप्रिएट आसपास बोलना है, करेक्शन के चक्कर में नहीं जाना है स्पोकन में। सो वॉज, यू नो, वॉज द फाउंटेन रनिंग, वॉज द फाउंटेन वर्किंग, वॉज द फाउंटेन रनिंग वेन यू रिस्ट इन द पार्क, वेन यू रिस्ट देयर। ओके, तो इस तरह से बोल सकते हैं आप। क्या तो उस काम में तुम्हें वे लोग मदद नहीं कर रहे थे? क्या उस काम में तुम्हें वे लोग मदद नहीं कर रहे थे? क्या were they not helping you in that work? हाँ, were they not helping you in that work, है ना। See, you have to enjoy, यदि आप enjoy करते हैं while speaking, if you can enjoy English, it does mean your progress is certain. But if you are not enjoying the process, you are not going to progress. It's all about your passion, the interest, the kind of interest you are having, the scale of, you know, curiosity you are having. If you are having more curiosity, more passion, okay, dying desire, burning desire, automatically you will progress. So it's mandatory. You must have it. So, you know, kya kehte hain, imperative. And yahan lete hain dusra sentence lete hain. And क्या वह कल तुम्हें डांट रही थी? क्या कल वह तुम्हें डांट रही थी? बोलिए। Were they pretending you? Was he scolding you yesterday? Were they scolding you? क्या वे लोग तुम्हें डांट रहे थे? Were they scolding you yesterday? Yeah, were they scolding you on Wednesday? Wednesday को हम बोलते हैं, जब अच्छे बराबर बोलेंगे तो आप खुद ही बोला जाएगा ये सब, Wednesday, है ना। Wednesday हम लोग जो कहते हैं वो बद में अपने आप बदल जाएगा, Wednesday, है ना। So, वह ऑफिस में कैसा परफॉर्म कर रहा था? How were they performing in the office? वह कैसा परफॉर्म कर रहा था? How was he performing in the office? How were you performing in the office? Next लेते हैं हम लोग। क्या आप कॉलेज के दिनों को एंजॉय कर रहे थे? Were you enjoying the college days? Were you, क्या जैसे हो गया ना, हमको was where तुरंत दिमाग में आना चाहिए, जैसे ही क्या हो गया कि was where हमको लगाना है, कोई भी auxiliary verb आपके पहले दिमाग में, जैसे ही क्या से शुरू हुआ ना, 24 auxiliary verb में से एक तो आएगा ही, है ना। तो were you enjoying the college days? इसके बाद क्योंकि अंधेरा हो रहा था, बोलिए, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, मैं जल्दी में था, तो क्या बोलेंगे सेंस को, इस मीनिंग को देखिए। As it was becoming dark, I was in a hurry. क्योंकि अंधेरा हो रहा था, as it was becoming dark, I was in a hurry.
I was in a hurry, we were in a hurry, they were in a hurry, okay? मतलब वे लोग जल्दबाजी में थे, they were in a hurry. ये fixed expression है, phrase है, in a hurry, मतलब जल्दबाजी में होना. Be in a hurry. Are you in a hurry? Are you in a hurry? No. So, इस तरह से ये है. इसके बाद चलते हैं. कंपनी कौन चला रहा था? Running. है ना, कह सकते हैं आप. कंपनी कौन चला रहा था? Who was running the company? Who was running the company? है ना, या who was governing the company? Who was running the company? Who was governing the company? बोल सकते हैं आप. ये वाला इस पर है हम लोग यहाँ पर, है ना. जब तुम जवान थे, यंग थे, जब तुम नौजवान थे, है ना, तुमको गाइड कौन कर रहा था? तुमको कौन गाइड कर रहा था? When you were young, who guides you? कोई बात नहीं, यू एंजॉय द प्रोसेस. देखिए, साइकोलॉजिकल, मेंटल साइकोलॉजी का बैरियर, अंटिल यू ब्रेक इट, ओके, यू आर नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस. सो ब्रेक करना होगा. नोबडी इज लिसनिंग मी, आई कंसीडर कि नोबडी इज लिसनिंग मी, एंड इफ दे आर लिसनिंग मी, दे आर रीपिंग बेनिफिट. यू व्हाट, व्हाई यू आर स्टैंडिंग हियर, योर मिशन इज टू जस्ट ग्रो, ओके. एंड चिल्ड्रेन लर्न वेरी क्विकली because they don't have mental pressure. They are psychologically smart, very smart, okay? They don't have psychological burden, what someone is thinking about me, okay? And what I'm thinking, they are enjoying every process. That's why they are progressing very well. But we people, okay, feel, oh, I'm making mistake. Okay, तो संसार में कौन ऐसा पैदा ले लिया धरती में जिसने mistake नहीं किया हो पहले? कोई ऐसा पैदा लिया आज तक? So everybody is making mistake, everybody is learning. Why you are thinking too much about yourself, about your prestige? Well, who knows you? And if someone knows you, यदि आप honestly involved है चीजों में तो you will progress. अगर honestly involved नहीं है तो nobody is going to help you. दुनिया का कोई ताकत आपको progress नहीं करा सकता, ये मैं जानता हूँ, दावे के साथ लिख करके देता हूँ. अगर आप अपने आप को मदद नहीं कर सकते हो तो आप ऐसे ही समय गुजार लोगे. मेहनत तो करना पड़ता है, मेहनत नहीं, मेहनत से डरने वाले लोग कभी भी नहीं. यहाँ मैं बैठ कर खड़े होकर के 1 लाख का महीना मेरा सैलरी है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस, जस्ट बिकॉज आई वॉज कमिटेड टू डू समथिंग ब्यूटिफुल. एंड मेरे को तो अंग्रेजी किसी ने सिखाया ही नहीं, इट हैज बीन माई सेल्फ स्टडी, कंप्लीट सेल्फ स्टडी. 200 में 176 नंबर लाना, दिस शोज माई डिटर्मिनेशन, ओके. और स्टिल टूडे आई एम मच डिवोटेड, वेरी मच डिवोटेड. तो ये आपको समझना होगा चीजों को, कि जिंदगी में कोई आपको आगे नहीं बढ़ाती है. जब तक आप डिसीजन खुद नहीं लेते हो आगे बढ़ने का, कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकती है. और अगर चीजों से प्यार है तो द थिंग बिकम वेरी इजी फॉर यू, ओके. आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब व्हेन यू आर वेरी यंग, हु वाज मेंटरिंग यू, व्हेन यू आर वेरी यंग हु वाज गाइडिंग यू, हु वाज गाइडिंग यू. अगला सेंटेंस लेते हैं भैया, ओके. जब घटना घटी मैं तो वहीं था. जब घटना घटी मैं वहीं था, क्या कहेंगे इसको? When the accident took place. हाँ, took place. When the accident, जब मतलब घटना घटी, when the accident took place. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि when आ गया, तो उसमें जब ये हम लोग करते थे कि ओ पास्ट में जो है, जैसे when what आ गया तो हम लोग आगे जो है did लगा करके भीवन लगाते हैं ना, भीवन लगाते हैं, did लग गया तो भीवन लगेगा, तो कंफ्यूजन आ जाती है. तो इसमें कंफ्यूजन होता है, बट नहीं, व्हेन मतलब जब, क्वेश्चन तो कर नहीं रहे. व्हेन डिड इट टेक प्लेस, तब तो वही बोलना पड़ेगा. व्हेन डिड इट टेक प्लेस, यह कब घटा, यह चीज हुआ कब, तो व्हेन डिड इट टेक प्लेस, वहां पर टेक प्लेस बोलना पड़ेगा, है ना. चूंकि वो क्वेश्चन है, व्हेन डिड इट टेक प्लेस, यह कब हुआ, व्हेन डिड इट टेक प्लेस, है ना. लेकिन जब घटना घटी, कब नहीं, जब, व्हेन द एक्सीडेंट टूक प्लेस, हमने क्वेश्चन बनाया नहीं इसको. तो इसका फॉर्मेट होता है, ओ डब्ल्यू एच वर्ड लगाइए, जो होता है, डब्ल्यू एच वर्ड है ही नहीं, है डब्ल्यू एच क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन नहीं, ये वर्ड है सिर्फ, डब्ल्यू एच वर्ड कहने के लिए नहीं, क्वेश्चन ही कर रहा है. व्हेन यू केम, व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, व्हेन इंसिडेंट्स अकर्ड, व्हेन द इंसिडेंट्स अकर्ड, व्हेन द इंसिडेंट्स, यू नो, एक्सीडेंट टुक प्लेस, ओके. व्हेन यू केम, व्हेन आई वेंट टू देयर, ओके, व्हेन आई स्टार्टेड फाइटिंग, तो लाइक दैट, है ना. तो वो है, when the accident, है ना भैया, when you enjoy, yes. Don't care what the camera is doing, who cares, मैंने, who cares, we have to grow, okay, yes. We are making video, just I want you to progress, you progress yourself, I don't care if someone is getting reaping benefits, okay, है ना. So when the accident took place, I was there, I was standing there,
Okay, when the accident took place, I was standing there. I was just standing opposite to that place. I was just standing opposite to that place when the accident took place. Okay, when the accident took place. अगला sentence लेते हैं दोस्तों. Involve होना जरूरी है जीवन में. किसी भी चीज़ को सीखना है ना, आप बहुत सारा चीज़ देखते रहो. 5 साल आप सीखते रहो अंग्रेजी अच्छा नहीं हो पाएगा. मैंने देखा है. आप यहाँ से सीख रहे हो कभी एम एबल, वहाँ से कुछ बड़ा आया छिलके पर फिसलने का मीनिंग क्या होगा, तो ये हो गया, करते रहो. लेकिन पार्ट वाइज अगर आप डिस्कशन नहीं करोगे, उस पर खूब फोकस नहीं करोगे, आप बहुत कॉन्फिडेंटली देखोगे, आप 5 साल बाद भी आप मुझे कहोगे नहीं बोल पाओगे सही से, है ना. लेकिन पार्ट वाइज अगर जम के मेहनत कर लिया, ज़्यादा नहीं 20-25 पार्ट पर अगर जम के तुमने मेहनत कर लिया ना, तो गर्दा छूट जाएगा बहुत आसानी से. कॉन्फिडेंस आना, आपको कॉन्फिडेंस कोई नहीं देता है. दे आर सेलिंग एवरीथिंग. People are selling their ideas, okay? Simply selling, वो ये डिजिटल वीडियो है, चलो घुमाते रहो, एक एक बताते रहो, रसगुल्ला बांटते रहो, वो मैं ठीक है, बेनिफिशियल है, बट पार्ट वाइज जम के मतलब गर्दा उड़ाना जरूरी है. आपको चाहिए अगर प्रोग्रेस, कॉन्फिडेंस चाहिए तो. चलिए लेते हैं, है ना. तुम मतलब बकवास क्यों कर रहे हो, बकवास क्यों कर रहे हो, क्या बोलेंगे आप? इसके बाद, गत रात जब तुम आ रहे थे, क्या रिमझिम बारिश हो रही थी? गत रात जब तुम आ रहे थे, क्या रिमझिम बारिश हो रही थी? क्या कहेंगे? Was it drizzling? बोले बोले. Was it drizzling when you was coming last night? When you were coming, was it drizzling when you were coming? स्पोकन बिकॉज दूसरा लैंग्वेज है, मदर टंग तो है नहीं, तो बहुत सारा गड़बड़ तो होना ही है स्वाभाविक में, इसलिए इसमें कोई बात नहीं है. और वॉज इट ड्रिजलिंग वेन यू वर कमिंग लास्ट नाइट, वॉज इट ड्रिजलिंग, वॉज इट ड्रिजलिंग, क्या बारिशा हो रही थी? इट वॉज ड्रिजलिंग मतलब क्या? रिमझिम हो रही थी बारिश, रिमझिम हो रही थी. इट वॉज ड्रिजलिंग, वॉज इट ड्रिजलिंग वेन यू वर कमिंग. ओके, वेन यू आर कमिंग, वेन यू केम, वॉज इट ड्रिजलिंग, ऐसे ही बोल सकते हैं. वेन यू वर कमिंग लास्ट नाइट, वॉज इट ड्रिजलिंग, या वेन यू केम, वॉज इट ड्रिजलिंग आउटसाइड, वॉज इट ड्रिजलिंग आउटसाइड. बस You have to enjoy the process. So easy. This is so easy. इसके बाद जो है भैया, है ना, हाँ हाँ, तुम मुझे क्लास में गुदगुदी क्यों कर रहे थे? तुम मुझे क्लास में गुदगुदी क्यों कर रहे थे? टिकल वर्ड होता है इसका. तो तुम मुझे क्लास में गुदगुदी क्यों कर रहे थे? Why you were tickling me in the class? हाँ, स्पोकन में कोई दिक्कत नहीं. Why you were tickling me in the class? या why were you tickling me in the class? है ना? Why were you tickling me in the class? या why you were tickling me in the class? Communicate करना है आपको, ठीक है ना? जब तुम्हारे पास वक्त था, तुम कुछ कर नहीं रहे थे. अब पछताते हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत. और कहता है कि a fan cannot dispel fog. वो से चाटने प्याज कहाँ बुझती है, है ना. तो अब पछताते हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत. जब तुम्हारे पास वक्त था तो तुम कुछ कर नहीं रहे थे. When you had time, you did nothing. You did nothing. When you had time, जब था, पास था, I had, पास है, I have, मेरे पास है, मेरे पास है, I have this. था मेरे पास, है ना, I had. तो When I had time, yeah, when you had time, you did nothing. You were doing nothing. You were wasting your time. Why are you now repenting? Eh? Why are you now repenting? Okay, why are you now in regret? अफसोस क्यों कर रहे हो? Sorry. इसके बाद जो है, आखिरकार है ना, वे लोग क्या कर रहे थे उस अवसर पर? आखिरकार वे लोग उस अवसर पर कर क्या रहे थे भाई? After all, what they were doing on that occasion? Very nice. After all, what they were doing, यह क्वेश्चन आप कहना चाहते हो तो what were they doing? आप क्वेश्चन नहीं ऐसे, after all, what they were doing on that occasion? यह क्वेश्चन करना चाहते हो तो after all, what were they doing? On that occasion. इसके बाद है ना, वह तो क्लास प्रतिदिन कर रही थी, रेगुलरली अटेंड कर रही थी. और तुम इसको क्या कहना चाहेंगे आप? See, we are attending the class regularly, and you? She was attending the class regularly. जो हसर
दूसरे का होता है वही आपका भी होता है. अगर आप प्रयास करो तब पता चलेगा. व्हेन यू कम बिफोर द माइक, ओके, व्हेन यू कम बिफोर द कैमरा, देन यू फील हाउ व्हाट इट टेक्स टू, ओके. तो दैट इज व्हाई प्रैक्टिस इज मच नीडेड. यू जस्ट, इफ यू रियली हैव बर्निंग डिजायर टू लर्न समथिंग, देन जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग विद मी. थोड़ा सा कठिन है ये प्रोसेस, बट कुछ दिन के प्रोसेस के बाद आप सब कुछ देखेंगे, आपके जीवन में आसान हो जाएगा. इंग्लिश का खास करके जीवन आसान तो नहीं होता, लेकिन इसके बाद जो है और पेशेंट जो है ना मर गया. जब डॉक्टर पेशेंट का जो है वो नब्ज चेक कर रहा था ना, जब डॉक्टर पेशेंट का नब्ज चेक कर रहा था, पेशेंट तो उसी समय मर गया है ना. तो व्हेन क्या कहेंगे भैया, व्हेन से शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. व्हेन द पेशेंट, व्हेन द डॉक्टर, when the doctor was feeling, feeling word होता है, मतलब नब्ज चेक करने का होता है, feeling for the pulse, feel for the pulse, है ना. When the doctor was feeling for the pulse, the patient had died. हाँ, when the doctor was feeling for the pulse, when the doctor was feeling for the for his pulse, उसके नब्ज को चेक कर रहा था. When the doctor was feeling for his pulse, he died. The patient died. है ना. तो पास्ट में दो काम, एक काम जब चल रहा था उसी समय में दूसरा काम हो गया. डॉक्टर तो नब्ज चेक कर रहा था, पेशेंट मर गया उसी समय में. तो पहले कौन काम चल रहा था भाई, डॉक्टर. तो उसमें वाज आईएनजी वाला लगेगा, वाज वेयर आईएनजी वाला. तो डॉक्टर, द डॉक्टर वाज, व्हेन द डॉक्टर वाज फीलिंग फॉर हिज पल्स, पेशेंट डाइड, सब्जेक्ट प्लस वी टू, दूसरा लगा करके काम खत्म. इसके बाद भैया अब देखिए दोस्त, लास्ट में मैं एक चीज बता दूं, है ना, कि वह है ना, एक वर्ड हमने बताया कि गेट बिकम एंड ग्रो, गेट बिकम एंड ग्रो. गेट के साथ भी आप लगा कर इसको बोल सकते हो, जैसे ही वॉज गेटिंग स्मार्टर विद द टाइम, ही वॉज गेटिंग ए स्मार्ट भी बोल सकते हैं, ही वॉज गेटिंग ए स्मार्टर, वह स्मार्ट हो रहा था. पीछे की बात मैं कर रहा हूँ, ही वॉज गेटिंग ए स्मार्टर विद द टाइम, ओके. एंड सी वॉज गेटिंग फैटर, वो मोटी हो रही थी, सी वॉज गेटिंग फैटर विद द टाइम, ओके. एंड वी वर ग्रोइंग वाइजर विद द टाइम, हम लोग समय के साथ बुद्धिमान हो रहे थे. वी वर ग्रोइंग वाइज विद द टाइम, ओके. सो कौन कौन चीज मैंने बताया, गेट बिकम ग्रो, क्या क्या बताया मैंने, गेट बिकम ग्रो, ओके. ये सब को आईएनजी बनाओ, गेटिंग बिकमिंग गोइंग ग्रोइंग, getting, becoming, growing. I was growing wise. You were getting fatter. You were getting fatter. Okay. And she was becoming smarter, more beautiful. She was becoming more and more beautiful. She was becoming more and more beautiful. So she was becoming. She was becoming. She was getting. I was getting. You were growing. इस तरह से लगा करके आगे verb adjective का जो है दूसरा former जो होता है ना comparative degree वाला वो लगा सकते हो. मोटा हो रहा था, वह मोटा हो रहा. He was getting fatter and fatter. मोटा मोटा होते जा रहा था, लाइक दैट, है ना. तो मैं सोचता हूँ वे लोग यही इशू पर बहस कर रहे थे. क्या कहेंगे, आई थिंक दे वर टॉकिंग ऑन दिस इशू. बिल्कुल, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. आई थिंक दे वर टॉकिंग ओवर द सेम इशू. कुछ भाव देना है. आई थिंक दे वर टॉकिंग ओवर द सेम इशू. दैट इज व्हाट आई थिंक, ओके. इन फैक्ट आई थिंक दे वर टॉकिंग ऑन द सेम इशू. आई थिंक ये क्लास आपके लिए थोड़ा सा, मैं करवा बोलता हूँ दोस्तों, लेकिन जीवन है. अगर मान लो आप सफल जीवन में आगे नहीं बढ़ते हो, तकलीफ आपको होती है, इसलिए मैं थोड़ा करवा बोलता रहता हूँ, जिससे कि बच्चे जगे, अपने समय को समझे, और फालतू में ऐसे 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 मोबाइल भर दिन करने में ज़िंदगी आपकी बनने वाली नहीं है. कुछ अच्छा करिए अपने जीवन के लिए. ना मैं आपको मदद कर सकता हूँ, ना दुनिया करने वाली है. आपके जीवन आपके हाथ में है, आपका परिवार, आपका भविष्य आपके हाथ में है. इसलिए मैं थोड़ा करवा बोल जाता हूँ, लेकिन ज़िंदगी को संवारना है तो आप ही को संवारना होगा. और कोई चीज़ भी कठिन चीज़ को सेलेक्ट कीजिए. अगर मैं सेशन चला रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हर सेंटेंस को 5-5 बार बोलिए, ओके. जम के नहीं भी समझ में आए थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा कोशिश कीजिए और लगे रहिए. एक दिन देखिएगा, 2-4-6 महीने के बाद द स्काई विल, द क्लाउड विल, एंड द डार्कर क्लाउड विल स्टार्ट बिकमिंग वाइटर, ओके. वो डार्क जो है, द स्काई विल स्टार्ट गेटिंग क्लीनर, ओके. तो आसमान साफ होने लगेगा आपके लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अच्छा लगेगा जो ज़रूर कमेंट कीजिएगा.